अत्रितवरधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान भगवान की जय। आज का यह मंगलमय दिन हनुमान जयंती का है। हनुमान जी हमारी संपूर्ण परंपरा में सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में पूरे देश में सर्वत्र पूजित है, ज्ञात है और वे हमारे इस राष्ट्र की एक अत्यंत बड़ी प्रेरणा शक्ति के रूप में सर्वत्र अपना कार्य करते रहे हैं। हनुमान जी का व्यक्तित्व भक्ताग्रगण्य के रूप में, भगवान श्री राम के दूत के रूप में और किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी छात्र के लिए और किसी भी साधक के लिए आदर्श व्यक्तित्व है। अपरिमित बल, प्रचंड बुद्धि, दिव्य शील, सर्वदा कार्य करने की, सेवा करने की लालसा, निरहंकारिता, ऐसे सारे गुणों का लहराता हुआ सागर हमें हनुमान जी के जीवन में दिखता है। ऐसा कोई सद्गुण दिखता नहीं जो श्री हनुमान जी में नहीं हो। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनको सकल गुण निधान कहा। सभी गुणों के वे आकर हैं। यदि ये गुण समाज में वृद्धिंगत करने हैं तो हनुमान जी की उपासना सर्वत्र बढ़नी चाहिए। यही सोच करके चतुर्थी शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास स्वामी महाराज ने संपूर्ण देश में सर्वत्र हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की। आपको याद दिला दूं, स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि मेरे बंगाल की शक्ति को जागृत करने के लिए स्थान स्थान पर हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करो। आज युवकों के सामने, बालकों के सामने, सबके सामने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए हनुमान जी का उज्ज्वल दिव्य व्यक्तित्व होना चाहिए। हम लोग धन्य हैं, हमें तो परंपरा से ये उपासनाएं प्राप्त हुई है। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हनुमान जी को आज अत्यंत श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। जो जो हनुमान जी को याद करता है उसके भीतर बुद्धि का जागरण होता है, बल का जागरण होता है, निर्भयता का जागरण होता है, उसका शरीर निरोग हो जाता है, उसका मन विकारों से मुक्त होता है, उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ता है और वह स्वयं चपलता से सर्वत्र काम करते हुए दिखता है। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक् स्फुरत्वंच हनुमत् स्मरणात् भवेत्। हमारी शास्त्र परंपरा ये कहती आई है। मेरे सभी छात्र भाई बहनों, कार्यकर्ताओं और साधकों के लिए आज के इस मंगल हनुमत जयंती के पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। भारत माता की जय। जय सियाराम, जय हनुमान।